आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी घंटों घंटों से परमेश्वर तेरी भक्ति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा स्थान में खड़े होकर परमेश्वर जिन्होंने आज पवित्र आत्मा जी सच में स्तुति के गीत गाए परमेश्वर, भजन गाए हैं, झूमे नाचे पवित्र आत्मा, ये किसी इंसान के लिए नहीं मेरे पिता, तेरे लिए नाच रहे हैं, तेरे लिए गा रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनके सच में बाइबल में लिखा कि हर एक बात का प्रतिफल है, जितने प्रभु में होकर परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल आज रात जरूर आएगा इनकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि हर एक जन के ऊपर तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सुरक्षा वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी हो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कोई भी जन यहाँ पर ऐसा खड़ा है परमेश्वर किसी से कोई गलती कोई गुनाह हो गया हो, आत्मा कहता है आपको विश्वास करना है, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि कोई भाई यहाँ पर अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए और शायद परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया। जब आपके काम फ्लो पर जाते हैं आप सोचते हैं ऐसा कि शायद परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, आत्मा कहता है कह रहे हैं कि तेरा अगर समर्पण सच्चा है, तेरा पश्चाताप अगर सच्चा है तो परमेश्वर आज रात से तुझे प्रतिफल देना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं एक और गाऊं फिर से जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आप मुंह खोलो अपना और इसी समय जोर से गाओ शाबाश। थैंक यू जीसस। सब कहें सब कहें अपने हाथों को उठाओ शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर घंटों घंटों यहाँ पर खड़े होकर, पवित्र आत्मा आज इनके बीच में तेरी प्रेजेंस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे प्रकाश को ये देखने पाए, आज इनके बच्चे इनके परिवार के लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग तेरे भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में आज पवित्र आत्मा जी तेरी आशीष बनने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज का दिन कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा परमेश्वर, तू आशीष देगा परमेश्वर ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा तूने आज काम किया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जिनके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ध्यान से सुनना जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाइबल के अंदर लिखा कह रहा प्रकाशित वाक्य के अंदर कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में यही विश्वास करते हैं कि शायद कि सामने वाला मेरी मदद करेगा, लेफ्ट मदद मिलेगी, राइट मदद मिलेगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर पर सच्चे रब पे भरोसा रख देने, परमेश्वर उनके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। आज विश्वास करना है, जिनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे भरोसे को तोड़ देगा, मैं फिर कह रहा हूँ जिनको भरोसा है परमेश्वर पर, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हो सकता है कोई किसी बात के कारण आपके बच्चों ने या किसी परिवार के जन ने या रिश्तेदार ने आपका मुंह काला करा दिया हो, लेकिन विश्वास करना परमेश्वर ने मुझे कहा जो भी जन यहाँ पर खड़े हैं, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक कभी मुंह काला नहीं होगा, याद रखना।